Yeah, hi guys, Neeraj this side, and today I'll be telling you about education. Okay, so like I also in teaching field from around 10 plus years, and I'll be teaching a huge kind of subjects. I'm engineer basically, so I'm teaching all the kind of subjects from little to like graduates as well, post graduates also. I'm taking classes for them. So what I really found out that we're having a huge amount of education, studies, knowledges, these, that, okay, but they're not using in our daily culture. And you know that just I done engineering, okay, and that is not helping here and there. Okay, so aajkal ke jo companies hai, जो स्कूल्स है, वो ज़्यादातर क्या फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन, इसमें मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उसमें मार्क्स अच्छे आने चाहिए. सो कैसा है कि ठीक है, एक काइंड ऑफ थिंग तक वो मार्क्स आने चाहिए, ये होना चाहिए, बट व्हाट वी आर अर्निंग फ्रॉम दैट, व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट. तो एजुकेशन ऐसा लो ठीक है कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन स्किल्स बहुत नेसेसरी है. ओके, तो स्किल्स व्हाट काइंड ऑफ थिंग, ये स्किल्स क्या है, ये न्यू वर्ड क्या है. तो बेसिकली कैसा है कि एक आपको काम आना चाहिए, कोई सा भी काम आना चाहिए. सपोज आपको कुछ काम आता है, जैसे आपको मोबाइल ठीक करना आता है, ठीक है, और अभी तो इतना लाइक इट्स काइंड ऑफ यू नो वेरी सिंपल. आपको कोई काम सीखना है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, आप सीख सकते हो, ठीक है, वीडियोज़ देख के एक काम थोड़ा सा सीख लो. सपोज़ आपको केक बनाना आता है, आपको यानी केक आप बना सकते हो, ठीक है, वो सीखो, वो थोड़ा एक्सप्लोर करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एंड यू नो लाइक यू विल बी गेटिंग समथिंग वैल्यू. आप बहुत सारा उसमें लर्निंग करते जाना है, और यानी वो प्रैक्टिकली अगर आप आजमा के देखते हो तो यू नो दैट यू विल बी अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो फ्रॉम देयर. लर्निंग तो आप कर ही रहे हो, और उसमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है. सो लाइक टॉपिक लेना है, उसमें एक्सप्लोर करना है, और आप सीखते जाओगे, आप करते जाओगे, और आपको अर्निंग भी होता जाए. तो दैट्स काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टुडे. सो नहीं तो पढ़ रहे ये एजुकेशन, दिस एजुकेशन, दैट एजुकेशन, ये किताब, वो किताब, सब फालतू की थिंग्स है. सब एजुकेशन भी एक काइंड ऑफ नशा है, एक बिजनेस बना के रखा है इन्होंने एजुकेशन सिस्टम वालों ने. सो उससे थोड़ा बच के रहना, ज़्यादा भी पढ़ाई कुछ काम का नहीं है, ठीक है, करो कुछ काम के लिए. अपन पढ़ रहे क्यों थे, अपन जॉब करने के लिए पढ़ते थे, है ना, या अच्छी जॉब लग जाएंगी, तो वो अगर तो जॉब लगने से रही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होने से रही, क्योंकि वो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी इतने टफ हो गए कि उसमें भी बहुत सारे कंपटीशन ही कंपटीशन है. तो आज की दुनिया में आपको स्किल्स यानी एक काम आना जरूरी है, फिर वो काम करते जाओ, आगे काम बढ़ेगा, पैसा आएगा, सब कुछ होगा. तो दैट इज़ काम आना ज़रूरी है, कोई सा काम, छोटू सा काम हो, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो. चाय बनाना भी एक काम है, आज चाय से भी करोड़ों कमा रहे हैं MBA चाय वाला, है ना, लाइक मेनी यू नो लाइक कुछ भी आप काम सीखोगे अगर वो आपको करना आता होगा, और उससे अगर आप लोगों की तकलीफ़ दूर कर पा रहे तो वो आराम से आपको पैसा दे देंगे, ठीक है. सो दैट्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे, जो आपको हेल्दियर, वेल्दियर, और कुछ यानी काम का कुछ तो सिखा रही है. दैट्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे. ओके, सो दैट्स अ थिंग. सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. You'll be getting that kind of updates. ऐसे updates आपको मिलते जाएंगे, ठीक है. So that's the thing. Just subscribe my channel. Okay, thank you, bye.